हाय एवरीवन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे हम लोग और पिछला लेक्चर में जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के 10 एप्लीकेशंस समझे थे हम लोग, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। आज जो है हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे इस चैप्टर का, नर्स्ड इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेनली क्वेश्चन इसी टॉपिक से रहता है, नर्स्ड इक्वेशन से ही। और नर्स्ड इक्वेशन में भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जरूरत जो है पड़ता है। नर्स्ड इक्वेशन होता क्या है? तो नर्स तो नाम है साइंटिस्ट का, वे इक्वेशन दिए, किस लिए दिए? तो जैसे हम लोग पीछे पढ़े थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो हाफ सेल से मिलकर बना हुआ होता है, और एक हाफ सेल क्या रहता है, तो इसमें मेटल सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है। जैसे मान लो इसमें कोई मेटल केटायन है Mn+, और जो मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन होता है उसी का उसमें रॉड रहता है, तो मान लो मेटल है M। तो जब कोई मेटल रॉड अपने ही सॉल्ट सॉल्यूशन में डूबा हुआ रहे, तो हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पोटेंशियल डेवलप हो रहा था, जिसको हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग जनरली एक्सप्रेस करते थे रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में। तो रिडक्शन पोटेंशियल में रिएक्शन कुछ ऐसा होगा कि जो सॉल्यूशन वाला केटायन है वह एन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जो इधर से आएगा, और वो कन्वर्ट हो जाएगा एम में, माने एक्वस है और ये सॉलिड। तो यहाँ ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हुआ इस हाफ सेल का, इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एक्सप्रेस किया जाता है नर्स्ड इक्वेशन के टर्म में। क्या हम बताएं कि जब किसी मेटल रॉड को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में डुबाते हैं तो वहाँ पोटेंशियल डेवलप होता है, जिसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। कैसे डेवलप होता है हम लोग देख चुके हैं। उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग जनरली रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में दिखाते हैं, मतलब ऐसा सॉल्यूशन का केटायन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, रॉड की तरफ से जो इलेक्ट्रॉन आता है बदल जाता है एटम में। तो ये रिडक्शन प्रोसेस के दरमियान जो पोटेंशियल डेवलप हुआ, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसी को एक्सप्रेस किया जाता है, व्यक्त किया जाता है नर्स्ड इक्वेशन के फॉर्म में। तो यदि इस इक्वेशन के लिए या इस रिएक्शन के लिए हम लोग नर्स्ड इक्वेशन लिखें तो कैसे लिखेंगे? ई एम एन प्लस से एम इक्वल टू ई नॉट एम एन प्लस से एम माइनस आर टी बटे एन एफ एल एन ए एम सॉलिड बटे ए एम एन प्लस एक्वस। ऐसा एक इक्वेशन हम लोग लिखे हैं। इस इक्वेशन में कौन से टर्म्स क्या हैं उनको जरा हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले ई जो है ऐसे, इसको हम लोग जो है दिखाते थे क्या पोटेंशियल को, तो ई वाला जो टर्म हुआ ई हुआ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई जो साइन, ई भी सेम ही है, बस यहां ये जो साइन लग गया स्टैंडर्ड का लग गया, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हम लोग को पता है कि कंसंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए, टेम्परेचर जो है 298 केल्विन होता है, पीछे बताए हैं देख लोगे। इसमें आ जाओ तो इसमें R गैस कांस्टेंट है, R जो है गैस कांस्टेंट हुआ, T जो है टेम्परेचर हुआ, N हुआ नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि रिएक्शन के दरमियान कितना मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे यहाँ N मोल इलेक्ट्रॉन है तो N लगा दिए। F हम लोग बोलते हैं फराडे कांस्टेंट, फराडे कांस्टेंट, इसका वैल्यू फिक्स होता है 96,500 कूलम पर मोल। और E जो है A, इस A को हम लोग पढ़ते हैं एक्टिविटी, तो एक्टिविटी ऑफ मेटल स्ट्रिप, और E हो जाएगा एक्टिविटी ऑफ मेटल केटायन। और ये जो एलएन है, इस एलएन को हम लोग पढ़ते हैं नेचुरल लॉग। तो ये सारे टर्म को अलग अलग हम लिख दिए हैं करके,
ऐसे ही समझोगे इसको। ई कहलाया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई हुआ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में टेम्परेचर कंसंट्रेशन फिक्स रहेगा, आर गैस कांस्टेंट वैल्यू फिक्स है, टी टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे आप मेजर कर रहे हो, एन इस रिएक्शन के दरमियान कितना मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, एफ फराडे कांस्टेंट जिसका वैल्यू इतना, ए होता है एक्टिविटी, तो ई जो है एक्टिविटी ऑफ मेटल स्ट्रिप जो मेटल रॉड लगाए इसका एक्टिविटी, एक्टिविटी क्या है आगे बताएंगे, और ई जो है हुआ एक्टिविटी ऑफ इस केटायन का, और एल एन होता है नेचुरल लॉग, एल एन को पढ़ते हैं नेचुरल लॉग। अब इसमें से बहुत सारे टर्म्स हैं जिनका वैल्यू फिक्स है, किसका किसका वैल्यू फिक्स है सो देखो। आर का वैल्यू हम लोग जानते हैं 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर हम लोग यहाँ लेंगे रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 25 प्लस 273 तो जाएगा 298 केल्विन। एफ का वैल्यू फिक्स है 96,500 कूलम्ब पर मोल। एन हम लोग को पता नहीं है कितना मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा, ये तो रिएक्शन पे डिपेंड करेगा ना, कैसे डिपेंड करेगा, जैसे मान लो कि सी यू टू प्लस है तो दो इलेक्ट्रॉन लिया तो एन बराबर हो जाएगा टू, लेकिन वही यदि एच प्लस है तो ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा तो एन बराबर वन ऐसे। अब एल एन जो है इस एल एन को हम लोग लिखते हैं 2.303 लॉग, याद रखोगे एल एन का मतलब होता है लॉग का बेस ई, और केवल लॉग लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा लॉग का बेस 10, लॉग टेबल होता है देखना पड़ता है आगे बताएंगे। अभी जो आया एक्टिविटी, तो याद रखोगे कि एक्टिविटी यदि कोई सॉलिड है या फिर प्योर लिक्विड है तो प्योर लिक्विड और सॉलिड का एक्टिविटी होता है 1 के बराबर, यदि कोई सॉल्यूशन है तो इसका एक्टिविटी बराबर होता है मोलैरिटी का, मोलैरिटी के लिए हम लोग ऐसे दिखाते हैं ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, और यदि वह कोई गैस है तो गैस के लिए एक्टिविटी बराबर होता है पार्शियल प्रेशर का, याद रखना है कि प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड है तो उसका एक्टिविटी हम लोग 1 के बराबर लिखते हैं, यदि कोई सॉल्यूशन है डाइल्यूट सॉल्यूशन तो उसका एक्टिविटी उसके मोलैरिटी के बराबर होगा जिसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाएंगे, और यदि कोई गैस है तो उसका एक्टिविटी पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा जिसको हम लोग दिखाएंगे पी से। तो इस सब चीज को यदि इस इक्वेशन में अब हम लोग पुट करना चाहें, देखो जो इक्वेशन लिखे हैं क्या था, ई एम एन प्लस से एम बराबर ई नॉट एम एन प्लस से एम माइनस आर टी एन एफ, तो इसमें से आर टी और एफ का वैल्यू तो फिक्स है, आर है 8.314, टी है 298, एन पता नहीं है, एफ है 96,500, इस एल एन को लिखना है इतना 2.303 लॉग, और यह है एक्टिविटी ऑफ एम सॉलिड, क्या लिखें प्योर सॉलिड का एक्टिविटी 1 होता है तो इसको हम लोग ऊपर में लिख देंगे 1, और नीचे है एक्वस, एक्वस मतलब इस सॉल्यूशन हुआ ना, तो सॉल्यूशन का एक्टिविटी होता है मोलैरिटी के बराबर, और उसको लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट और ई एम एन प्लस ऐसा। तो ये हम लोग का हुआ इक्वेशन, इसको हम लोग आगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो अब इसको और आगे बढ़ाओगे इस सब वैल्यू को सॉल्व करोगे तो ये आएगा ई एम एन प्लस से एम बराबर ई नॉट एम एन प्लस से एम माइनस, ये पूरा सॉल्व करोगे तो आता है 0.0591 बटे एन वोल्ट में रहेगा लॉग, ये हो जाएगा 1 एम एन प्लस। ई हुआ हम लोग का नर्स्ट इक्वेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ या हाफ सेल। अब ई इक्वेशन कहाँ से आया, जो शुरू में हम लोग नर्स्ट इक्वेशन लिखे थे तो उस नर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन पढ़ना आगे का क्लासेस में बीएससी वगैरह में पढ़ना है, तो उससे हम लोग को मतलब नहीं है। किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग इस इक्वेशन के मदद से निकालेंगे, कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसका तो समझ में आएगा,
मेन इक्वेशन है, इसको याद रखेंगे इस इक्वेशन को हम लोग। कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो कोई हाफ सेल रिएक्शन दिया हुआ है Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक्वस है, बदल गया Cu सॉलिड में, और इस रिएक्शन के लिए हम लोगों को लिखना है नर्स्ट इक्वेशन। कैसे लिखेंगे तो यहाँ फॉलो करते जाओगे। हम क्या बताएं कि जो ऊपर में रहता ही रहता है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, नीचे वाला रहता है रिड्यूस्ड फॉर्म, बस। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, Cu2+ से Cu मिलाते जाओ बराबर E0 Cu2+ से Cu माइनस इफिक्स 0.0591 वोल्ट बटे n, तो n में यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, तो लिखेंगे 2 log 1, अरे Mn+, तो Mn+ की जगह हम लोग ये लिखेंगे आप Cu2+, हो गया नष्ट इक्वेशन। तो एग्जाम में आएगा ऐसे कि रिएक्शन दिया हुआ रहेगा, बोलेगा इसके लिए नष्ट इक्वेशन लिखो, तो लिख देंगे ना, आसान है। उसी प्रकार से मान लो कोई रिएक्शन है 2H+ एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन और ये बदल गया H2 गैस, इस प्रकार से कैसे लिखेंगे, तो EH+ से H2, यहाँ हम लोग E2 वगैरह को नहीं लिखते हैं, इक्वल टू E0 H+ से H2 माइनस 0.0591 वोल्ट बटे, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 log, यहाँ अब हम लोगों को समझना है। ई ऊपर में जो यहाँ लिखते हैं ई रहता है रिड्यूस्ड फॉर्म और नीचे रहता है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, तो H+ और H2 में कौन रिड्यूस्ड फॉर्म हुआ, कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, जिसमें कम होगा रिड्यूस्ड फॉर्म। तो H2 में यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0 और यहाँ एक चार्ज दिख रहा है प्लस, तो ये जाएगा +1, तो +1 0, ज़्यादा कौन हुआ +1, तो ई कहलाएगा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, ई है 0 तो ई कहलाएगा रिड्यूस्ड फॉर्म। तो ऊपर में हम लोग लिखते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म वाला, अब रिड्यूस्ड फॉर्म में यहाँ H2 है और H2 क्या है, गैस है, और क्या लिखे थे कि गैस का जो एक्टिविटी है उसके पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, प्रेशर ऑफ H2 बाई, नीचे लिखते हैं ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म यहाँ H+ है, तो H+ का कंसंट्रेशन, और H+ आयन टोटल कितना है 2, तो जितना भी रहेगा उसको यहाँ पावर में लिख देना है, मतलब 2H+ आयन है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे ना कि H+ × H+, तो 2 लिखो उससे बढ़िया कि यहाँ पावर लगा दो, ऐसा। तो ये हो गया इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन। उसी प्रकार से एक और, जैसे मान लो है Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से बदला 2Cl- एक्वस, प्लस माइनस चार्ज वाला को एक्वस लिखेंगे, इधर अपना पता रह गया कि गैस है सॉलिड है लिक्विड। अब क्लोरीन का है ऑक्सीडेशन नंबर 0 - 1, बोलो किसका ज़्यादा है, ये 0 वाला ज़्यादा हुआ, तो ज़्यादा हुआ मतलब ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, OF ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, कम है ये हुआ रिड्यूस्ड फॉर्म। अब लिखो यहाँ, तो ई ऊपर में ऑक्सीडाइज फॉर्म लिखते हैं हमने Cl2 से Cl- बराबर E0 Cl2 से Cl- माइनस 0.0591 वोल्ट बटे 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो 2 लिखेंगे log, ऊपर में लिखते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म, तो रिड्यूस्ड फॉर्म इस बार कौन है Cl- है, और Cl- एक्वस मैंने सॉल्यूशन है ना, तो इसके लिए हम लोग ऐसे ब्रैकेट देते हैं, लिखेंगे Cl- कितना Cl- है 2, तो ऊपर में पावर दे देंगे 2 डिवाइडेड बाई नीचे ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म इसका है Cl2 और Cl2 है गैस, और गैस का एक्टिविटी लिखते हैं पार्शियल प्रेशर के टर्म में, तो यहाँ लिखेंगे PCl2, ऐसे ये दोनों को मिलाओ तो ये दोनों लगेगा उल्टा है कि यहाँ प्रेशर वाला ऊपर है यहाँ नीचे है, ये आयन वाला नीचे है यहाँ ऊपर चला गया, तो उससे मतलब नहीं है, ऊपर में रिड्यूस्ड फॉर्म, रिड्यूस्ड फॉर्म मतलब जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है, नीचे ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होता है, और ये जो कॉफिशियन रहता है इस कॉफिशियन को हम लोग यहाँ पावर में कर देते हैं, ऐसा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं किसी भी हाफ सेल रिएक्शन के लिए।
तीन चार एग्जाम्पल दिए, उसको प्रैक्टिस कर लोगे एक दो बार समझ में आएगा। ये हुआ हाफ सेल के लिए। लेकिन हम लोग क्या पढ़े हैं कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है दो हाफ सेल से मिल के बना हुआ रहता है, दो हाफ सेल से मिल के बना हुआ रहता है। तो उस पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, मतलब यदि ऐसा कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया हुआ है कि ZN सॉलिड से ZN2 प्लस एक्वस से Cu2 प्लस एक्वस से Cu सॉलिड, दिस इज डैनियल सेल। जिंक और कॉपर का हाफ सेल रहता है तो उसको हम लोग डैनियल सेल बोलते हैं। अब इसके लिए यदि नष्ट इक्वेशन लिखना हम लोग को तो कैसे लिखेंगे, क्या बताया इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन में कि लेफ्ट साइड वाला होता है एनोड, राइट साइड वाला होता है कैथोड। ठीक, तो एनोड का रिएक्शन लिखेंगे एट एनोड, ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर, जिंक बदल रहा है जेड एन टू प्लस में तो लिखेंगे जिंक, ई बदला जेड एन टू प्लस एक्वस प्लस दो इलेक्ट्रॉन। और इसके लिए अब लिखो नष्ट इक्वेशन, तो ई जेड एन टू प्लस से जेड एन बराबर ई जेड एन टू प्लस से जेड एन माइनस 0.0591 वोल्ट बटे टू, दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। लॉग ऊपर में हम लोग लिखते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म, तो रिड्यूस्ड फॉर्म में जिंक है सॉलिड है तो इसका तो वन हो जाएगा एक्टिविटी, तो लिखेंगे वन। और नीचे ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है जेड एन टू प्लस एक्वस, तो यस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, इसको मान लो इक्वेशन नंबर वन। उसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे एट कैथोड, तो कैथोड पे होता है रिडक्शन, किसका हो रहा है Cu2 प्लस बदल रहा है Cu में, तो ई जो है Cu2 प्लस एक्वस, ई दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बदल जाएगा Cu सॉलिड में। अब इसके लिए यदि लिखोगे इक्वेशन तो क्या हो जाएगा, ई Cu2 प्लस से Cu बराबर E0, या E0 हो जाएगा E0 Cu2 प्लस से Cu माइनस 0.0591 वोल्ट बटे 2 लॉग। ऊपर में रहता है रिड्यूस्ड फॉर्म, तो रिड्यूस्ड फॉर्म में यहाँ कॉपर है तो सॉलिड है तो इसका 1 के बराबर रहेगा एक्टिविटी, और इस सॉल्यूशन है तो इसका रहेगा Cu2 प्लस, ऐसा इसको मान लो नंबर 2 ऐसा। अब हम लोग क्या पढ़े हैं, वी हैव कि जो किसी भी सेल का ईएमएफ होता है ई सेल, वो बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब कैथोड और एनोड का हम लोग लिख चुके हैं कि कैथोड यहाँ कॉपर है, एनोड जिंक है, इसको ऐसे लिखे हम लोग ई सी यू टू प्लस से सी यू माइनस ई जेड एन टू प्लस से जेड एन। समझ रहे हो हम लोग क्या किए कि सबसे पहले जो दो हाफ सेल्स हैं इन दोनों हाफ सेल का हम लोग अलग अलग लिख लिए नष्ट इक्वेशन, और दोनों हाफ सेल का नष्ट इक्वेशन लिखने के बाद इस पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का यदि हम लोग लिखेंगे नष्ट इक्वेशन तो उस फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। ये हम लोग पीछे जानते हैं कि ई सेल बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। अभी जो कैथोड है ई सी यू टू प्लस देखो यहाँ है एक्सप्रेशन टू में, और जिंक वाला वन में, तो पहले एक्सप्रेशन टू ही पूरा लिखो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई नॉट सी यू टू प्लस से सी यू माइनस 0.0591 वोल्ट बटे टू लॉग वन बटे सी यू टू प्लस। ई हम लोग का पूरा हुआ कैथोड वाला, माइनस फिर अब जिंक वाला लिखेंगे ई वाला इक्वेशन ई जेड एन टू प्लस से जेड एन देखो ये तो ई इतना के बराबर है, तो इसको लिखो तो हो जाएगा ई जेड एन टू प्लस से जेड एन मैंने ई नॉट है माइनस 0.0591 वोल्ट बटे टू लॉग वन बटे जेड एन टू प्लस ऐसा।
अब दोनों को यहाँ सॉल्व करेंगे, बस यही ध्यान देना है। ई सेल, अब इसको हटा देते हैं, ई सेल बराबर क्या लिखेंगे अब देखो जरा इधर, ई दोनों लिखे हम लोग ना, तो ई सी यू टू प्लस से सी यू माइनस ई एक्सप्रेशन लिखा हुआ, यहाँ ई है माइनस, ई वाला माइनस ई सब में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ई पूरा टर्म अभी प्लस में है तो मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब इसको ऐसे सजा करके लिखते हैं, ई नॉट सी यू टू प्लस से सी यू माइनस ई नॉट जेड एन टू प्लस से जेड एन, इतना एक साथ लिख दिए ई दोनों को एक साथ। अब जब ये माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस यहाँ हुआ माइनस, लेकिन यहाँ पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब ये ब्रैकेट को यदि हटा दिया जाए तो यहाँ माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस, ऐसा इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखो तो ई वाला जो टर्म है ना, ई है कॉमन, तो इस टर्म को कॉमन ले लो, प्लस का साइन लिख करके कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 0.0591 वोल्ट बटे 2, इतना कॉमन आ गया, तो इतना कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा लॉग 1 बटे जेड एन टू प्लस, और यहाँ बचा लॉग 1 बटे इतना, लेकिन माइनस में बचा है तो माइनस लॉग 1 बटे सी यू टू प्लस, ऐसे बस उसी को सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा। अब जरा इसको और आगे बढ़ाते हैं, तो ई सेल बराबर, देखो वही चीज़ है ना, ई सी यू टू प्लस से सी यू माइनस ई जेड एन टू प्लस से जेड एन, तो क्या लिखे थे, ई सेल के बराबर लिखे थे, यहाँ नॉट का साइन लगा हुआ है तो इसको लगा देंगे ई नॉट सेल, मतलब ये पूरा को ई नॉट सेल लिखेंगे, प्लस 0.0591 वोल्ट बटे 2, यहाँ ई हो गया लॉग, देखो एक फॉर्मूला होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, इसको हम लोग लिखते हैं लॉग ए बटे बी, ये लॉग का फॉर्मूला होता है याद रखोगे, तो उसको लिखो तो ये जाएगा लॉग 1 बटे जेड एन टू प्लस, और ये पूरा का डिवाइडेड में आ जाएगा बी, तो बी के जगह है 1 बटे सी यू टू प्लस, देखो इतना हमने ऐसे लिखेंगे 1 बटे सी यू टू प्लस, तो उलट जाएगा ना, उलट जाएगा तो इसको ऐसे करके लिख दो आप इंटू सी यू टू प्लस और यहाँ 1, ऐसा तो फिर फाइनली हम लोग का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आ जाएगा, आ जाएगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल प्लस 0.0591 वोल्ट बटे 2 लॉग ऊपर में सी यू टू प्लस बटे नीचे में आ जाएगा जेड एन टू प्लस, यही हो गया फाइनल नष्ट इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यहाँ से जो सी यू है ना, ये काम कर रहा था किसका, कैथोड का, और जिंक काम कर रहा था किसका, एनोड का, तो इसी को हम लोग अब फाइनली ऐसे लिखें, ऐसे कि ई सेल बराबर ई नॉट सेल प्लस 0.0591 वोल्ट बटे 2 लॉग, ऊपर में कैथोड रहेगा तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कैथोड और नीचे हम लोग लिखेंगे एनोड। बुक में देखोगे ना तो एक्सप्रेशन में यहाँ प्लस के जगह माइनस होता है, तो इसको ऐसे लिखें ई सेल बराबर ई नॉट सेल। अच्छा हाँ, जैसे यहाँ हम लोग कॉपर और जिंक लिए थे तो इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ था, कोई ज़रूरी नहीं कि सब में दो दो ही इलेक्ट्रॉन होगा ना, किसी में एक किसी में तीन चार ऐसे भी हो सकते हैं, तो क्या करते हैं कि जो यहाँ एन था इलेक्ट्रॉन इसको हम लोग एन ही लिख करके चलते हैं, तो क्या होगा कि प्लस के जगह यदि माइनस रहे माइनस 0.0591 वोल्ट बटे एन, तो ये उलट जाएगा, लॉग ऊपर में हो जाएगा एनोड और नीचे में हो जाएगा कैथोड, तो दोनों याद नहीं रखोगे कंफ्यूज कर जाओगे, जनरली माइनस वाला ही रहता है तो माइनस वाला ही हम लोग याद रखेंगे कि ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 वोल्ट बटे एन, एन इलेक्ट्रॉन हुआ, लॉग ऊपर में एनोड और नीचे क्या रहेगा कैथोड, माइनस के फॉर्म में यदि रहा तो हम लोग ऐसे ही रहेंगे, प्लस वाला में उलट जाएगा ऊपर कैथोड नीचे एनोड। तो ई मेन नर्स्ट इक्वेशन हुआ किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, यदि ईएमएफ पता करना हो या सेल पोटेंशियल पता करना हो तब।
डेरिवेशन से मतलब नहीं है, नोट्स में है तो उसी को समझाने के लिए हम पूरा बताए। मेन ई वाला इक्वेशन याद रखोगे कि ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 वोल्ट बटे एन लॉग एनोड बटे कैथोड। माइनस वाला याद रखोगे, प्लस रहेगा तो उलट देंगे। अब कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए हम लोग लिख करके देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन, जैसे मान लो कि कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया हुआ ऐसा Al सॉलिड Al ट्रिपल प्लस एक्वस Ni टू प्लस एक्वस Ni सॉलिड, ऐसा कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया हुआ है और इसके लिए हम लोगों को लिखना है नर्स्ट इक्वेशन। कैसे लिखेंगे, आसान है। देखो लेफ्ट साइड वाला होता है एनोड, राइट साइड वाला होता है कैथोड। एनोड का रिएक्शन लिखो एट एनोड, क्या होता है ऑक्सीडेशन, कि एल्यूमिनियम बदल रहा है एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस एक्वस प्लस तीन इलेक्ट्रॉन। कैथोड वाला रिएक्शन लिखो, रिडक्शन होता है किसका हो रहा है एनआई टू प्लस का एनआई में, तो हो जाएगा एनआई टू प्लस प्लस दो इलेक्ट्रॉन से बदल जाएगा एनआई में। ये सॉलिड है, यहाँ ये सॉलिड हुआ और ये वाला हुआ एक्वस। तो ये रिएक्शन पहले लिख लेंगे, ये पहले भी हम बताए हैं इसको कि कैसे रिएक्शन लिखा जाता है। अब क्या बताएं कि यदि ऐसे रिएक्शन लिख रहे हो तो इसमें हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है इलेक्ट्रॉन, कि एनोड में जितना इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है कैथोड में उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन होना चाहिए। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है कितना, तीन, यहाँ गेन हो रहा है दो। तो बराबर करने के लिए क्या करोगे कि इसको मल्टीप्लाई कर दो टू से और इसको थ्री से, अपोजिट इसके इलेक्ट्रॉन से यहाँ और ये वाला इलेक्ट्रॉन से यहाँ। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, तो इक्वेशन अब बन जाएगा ऐसे, ये बन जाएगा टू ए एल से टू ए एल ट्रिपल प्लस प्लस छः इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा थ्री एन आई टू प्लस से छः इलेक्ट्रॉन और ये थ्री एन आई। दोनों को जोड़ोगे तो ये टू ए एल सॉलिड प्लस थ्री एन आई टू प्लस एक्वस, और ये पूरा में देखो छः इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे सिक्स इलेक्ट्रॉन और ये हो जाएगा टू ए एल ट्रिपल प्लस एक्वस से थ्री एन आई सॉलिड। ठीक, अब हम लोग लिखेंगे नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन क्या है, देखो ई सेल, तो लिखेंगे ई सेल बराबर ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल को हम लोग लिखते हैं कैसे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ऐसे लिखते हैं। तो प्लस माइनस कोई भी है, माइनस वाला लेकर के चलते हैं, माइनस 0.0591 वोल्ट बटे एन, इधर है लॉग एनोड बटे कैथोड, ऐसा। तो ई जो है नर्स्ट इक्वेशन है। अब इसी के जगह हम लोग को बस वैल्यू पुट कर देना है, पुट कर दो। कैथोड यहाँ कौन है निकेल, एनोड कौन है एल्यूमिनियम, तो लिखेंगे हम लोग ई सेल बराबर ई नॉट कैथोड, तो लिखेंगे ई नॉट एन आई टू प्लस से एन आई माइनस ई नॉट ए एल ट्रिपल प्लस से ए एल माइनस 0.0591 वोल्ट बटे एन, तो एन के जगह हम लोग को यहाँ देखना है टोटल छः इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, तो लिखेंगे सिक्स लॉग एनोड। तो एनोड के जगह पर दो चीज है, एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस है, तो एल्यूमिनियम ये तो सॉलिड है, तो सॉलिड का तो एक्टिविटी वन होता है, तो इससे मतलब रहा नहीं, मतलब रहा इससे Al ट्रिपल प्लस से। अब फाइनल इक्वेशन में हम लोग देखेंगे कि जो Al ट्रिपल प्लस है कितना मोल है, दो मोल, तो यहाँ हम लोग ऐसे लिखेंगे Al ट्रिपल प्लस और दो मोल, तो ऊपर में पावर दो, और नीचे कैथोड है, तो कैथोड के जगह भी दो दो चीज़ है, निकेल टू प्लस और निकेल सॉलिड, तो सॉलिड का तो एक्टिविटी वन, बचा ई वाला निकेल, तो निकेल कितना है टोटल मेन इक्वेशन में देखो तीन, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे एन आई टू प्लस थ्री, यही हो गया हम लोग का नर्स्ट इक्वेशन, ऐसा।
तो इस तरह से यदि कोई क्वेश्चन आए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया हुआ है उसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखना है, तो सबसे पहले उसका एनोड कैथोड का रिएक्शन लिखेंगे, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन देखेंगे बराबर है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन बराबर है तो ठीक है और नहीं है तो ऐसे मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉन बराबर करो, फिर मेन इक्वेशन लिखो और उसके बाद नर्स्ट इक्वेशन लगाओ कि ई सेल बराबर ए नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड माइनस इतना बटे एन लॉग एनोड का कंसंट्रेशन बाई कैथोड का। यहाँ हम लोग फिर देखेंगे कि एनोड पर जो दो चीज़ दिया हुआ है क्या है, तो इसमें से एक सॉलिड है एक एक्वस है, तो एक्वस जो सॉल्यूशन है उसका लिख दिया मोलारिटी के बराबर कैपिटल ब्रैकेट दे करके, और जो सॉलिड है इसका तो वन होता है, तो वन होता है तो इसको हम लोग को लिखने का मतलब ही नहीं है। उसी प्रकार से कैथोड में भी दोनों है निकेल सॉलिड और ये वाला, तो इसको भी जो हम लोग वैसे ही लिखेंगे। मान लो सपोज कि कोई हम लोग लिखेंगे और इस तरफ सपोज ऐसा आ जाता H प्लस एक्वस और यहाँ H2 गैस और यहाँ प्लेटिनम रहता दिया हुआ, तो इस केस में देखो कैथोड में अब दो चीज़ें एक्वस है और गैस भी लगा हुआ है, तो दोनों में से किसी का एक्टिविटी वन नहीं होता है, है? तो यदि यहाँ अब तुम लिखोगे तो H प्लस तो लिखाएगा ही कैथोड का नीचे, ऐसे यहाँ H प्लस तो लिखाएगा ही, और इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो बैलेंस करके जो भी यहाँ कोफिशियंट है H प्लस का वो पावर में आ जाएगा। साथ ही साथ अभी H2 जो गैस है तो गैस का एक्टिविटी वन नहीं होता है पार्शियल प्रेशर के बराबर, तो यही बगल में लिखना होगा इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, ऐसे वही नीचे बगल में लिखना होगा, इसको ध्यान रखोगे। तो यही जो है नर्स्ट इक्वेशन है कि नर्स्ट इक्वेशन होता क्या है, क्या काम है इसका, और किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखते हैं, लिख करके प्रैक्टिस करोगे आप लोग वीडियो से समझ करके, नोट्स में लिखा हुआ है उसको एक दो बार रिवाइज करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है नर्स्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन पढ़ेंगे और उसके पहले जो है जो लॉग आया है ना इस लॉग टेबल के बारे में देखेंगे, तो लॉग टेबल उसके बाद इस नर्स्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन, तो फिर इसका सेकेंड पार्ट भी ऑलमोस्ट समाप्त हो जाएगा चैप्टर का। फर्स्ट पार्ट से कोलरॉस लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट था, सेकेंड पार्ट से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और ये नर्स्ट इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस नर्स्ट इक्वेशन को अच्छे से समझने का प्रयास करोगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। धन्यवाद।